रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के तत्वाधान में एक क्रेडिट आउटरीच अभियान का एक मैं कह सकता हूं प्रदर्शनी, एक मेला लगा हुआ है जिसमें तमाम बैंक जो हैं इन्होंने हिस्सा लिया है। सर आपका परिचय चाहता हूं और साथ में ये जो क्रेडिट आउटरीच अभियान जो है ये आखिर क्यों चलाया गया, इससे क्या फ़ायदा है? मेरा नाम अनिल बंसल है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में महाप्रबंधक हूँ और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का कन्वीनर। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, इसकी पहल इसलिए की गई है कि भारत सरकार ने जितनी स्कीम्स समय समय पर चलाई हैं, ये महसूस किया गया कि जिनके लिए, जिस समाज के तबके के लिए स्कीम्स हैं उन तक इनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? या तो उनको मालूम नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, पर्याप्त जानकारी नहीं है, और थोड़ा बैंक्स में जाने से हिचकते भी हैं लोग। तो ये महसूस किया गया कि कस्टमर बैंक में जाए उससे अच्छा है कि बैंक्स कस्टमर के पास जाए, स्कीम्स के बारे में बताए और जहाँ तक संभव हो ऑन द स्पॉट सैंक्शन दें। ऑन द स्पॉट काम नहीं हो पा रहा तो उनको बताया जाए कि आप आइए ब्रांच में, आइए पेपर्स दीजिए और बिना किसी डिले के उसमें आपको सैंक्शन दिया जाएगा। और ये प्रोग्राम भारत सरकार की पहल पे हुआ है और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी ये है कि पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम एक साथ चल रहा है। पहला फेज इसका हुआ 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक, दूसरा फेज चल रहा है 16 अक्टूबर से जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो देश के प्रत्येक ज़िले में ये प्रोग्राम चल रहा है और देखेंगे हम कितने बैंकों ने इसमें हिस्सा लिया है। देखिए इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक तो सभी हैं और हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी अच्छे खूब जोश से पार्टिसिपेट किया है। तो दिल्ली स्टेट में जितने भी बैंक्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी बैंक्स यहाँ पर हैं। तो क्या आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो कस्टमर भी हैं और साथ में उनको लोन भी मिलने का या कोई प्रावधान किया जा रहा है? हाँ जी, काफ़ी कुछ कस्टमर्स हैं यहाँ पे जिनको आज सेंक्शन लेटर दिए गए हैं। अभी तक हम लोगों ने इस समारोह में करीब 100 करोड़ से ऊपर के सेंक्शन लेटर दे दिए हैं सभी बैंकों ने मिला के। पंजाब नेशनल बैंक ने करीब 40 करोड़ का सेंक्शन लेटर्स का वितरण किया है, ऐसे सभी बैंकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो कह सकते हैं कि आने वाला जो त्यौहार दिवाली जो है ये खुशियों के संग त्यौहारों के संग का जो स्लोगन है वो फिट बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए जो हमने आज लोन दिए हैं इसमें सभी तरह के हैं, इसमें पर्सनल लोन भी हैं, कार लोन भी है, छोटे यूनिट्स हैं जो MSME यूनिट बोलते हैं उनके लिए भी है, सभी तरह के लोन दिए हैं। और पूरी उम्मीद है कि दिवाली का त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लाएगा। कोविड की महामारी से जो लोग ग्रस्त थे बाहर निकल रहे हैं और बैंकों के इस इनिशिएटिव से उनको कुछ आखिरी संदेश जो देशवासियों और ग्राहकों को देना चाहते हैं आप? ग्राहकों को मैं यही संदेश दूंगा कि बैंकों से लोन लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो एक धारणा है कि आम आदमी को लोन नहीं मिलता वो गलत है। आप आइए बैंक में, अपने कागज़ जो भी आज के टाइम में जो भी लोन्स हैं जो भी स्कीम्स हैं सभी ऑनलाइन हो गई हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे जाते हैं और हम तत्पर हैं, आप आइए और लोन लीजिए। क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत जो यहाँ एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम बैंक और तमाम बैंकों के ग्राहक भी यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि 100 करोड़ के लगभग आज के दिन जो लोन है वो अप्रूव किया गया है। आज हम बात भी करेंगे, मैं आपको दिखाना पंजाब एंड सिंध बैंक के स्टॉल पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और साथ में ही इनके कस्टमर हैं, इनके ग्राहक हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका और आज इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ आकर आपने क्या फ़ायदा लिया? मेरा नाम रजनीश है, मेरे को मतलब अपने कंपनी स्टार्टअप के लिए लोन की रिक्वायरमेंट थी तो उसके लिए फिर पंजाब एंड सिंध ने मेरी हेल्प की और आज मुझे 5 लाख का लोन सेंक्शन हुआ। 5 लाख का आपने लोन लिया, फॉर्मेलिटीज़ क्या रहीं, परेशानियाँ क्या रहीं, क्या सुविधा रही? नहीं, फॉर्मेलिटीज़ तो जो मतलब अपना सिविल स्कोर और जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो समझाया गया मुझे और मतलब बाकी तो और कोई परेशानी रही नहीं। तो सब आसान से रहा? बहुत इजी प्रोसीजर था इनका। जब लोन लेने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, उस वक्त क्या जहन में था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे चैलेंज होंगे? पहले तो NBFCs की तरफ जाने का था लेकिन फिर जब बैंक्स
इतने अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब लोन दे रही हैं तो फिर NBFC से क्यों लेना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये सोच के मैं आया था इधर। तो सारी फॉर्मेलिटीज आसानी से हो गई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जो ग्राहक जो अभी तक बैंकों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सोच के रह जाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आप मतलब आपका सिविल अच्छा है तो आप आइए, और अपना मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ जाने से अच्छा है किसी गवर्नमेंट बैंक के लिए अप्लाई कीजिए। देखिए कि जैसा आपने देखा है कि यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स का, अलग अलग जगहों से कस्टमर्स का एक बहुत ही बड़ा समूह यहाँ पे आया था, अलग अलग तरह से आए थे। और जैसा कि भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा एक क्रेडिट आउटरीच कैंपेन के फॉर्म में ये चलाया जाता है और 2019 से चलाया जा रहा है, और इसके अंदर क्या है कि सभी बैंकों को ये निर्देश दिया गया था कि भाई आप लोग सभी कस्टमर्स के पास, जो कस्टमर्स बैंक के अंदर नहीं आ पाते हैं या कस्टमर्स कई बार थोड़ा सा समझने में या पूछने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वो आप लोग कस्टमर्स के पास जाइए और उनको जाके उनके द्वारा जो डिफरेंट अलग अलग स्कीम्स बैंक्स के पास हैं, भारत सरकार की स्कीम्स हैं, वो वहाँ जाके उनको बताइए ताकि वो उसका उचित लाभ ले सकें। और यहाँ पे काफ़ी सेंशन लेटर्स हम लोगों ने भी अपनी तरफ से दिए हैं, और जिसके अंदर की स्वनिधि स्कीम के बहुत सारे लाभकर्ता या लाभार्थी थे यहाँ पे, जिनको दिया गया स्ट्रीट वेंडर्स के फॉर्म में जो स्कीम है उनको सेंशन लेटर्स दिए गए हैं। उसके बाद MSME के सेंशन लेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, छोटे व्यापारियों के लिए सेंशन लेटर्स दिए गए हैं। तो इस कैंपेन के द्वारा काफ़ी लोगों को इसका लाभ हुआ है, और ये क्योंकि एक काफ़ी सारे कैंप्स हर जगह लगाए जाएंगे, तो इसमें मेरा मानना ये है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा पहले भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया गया है और आज भी लिया गया था, और आगे भी जितने भी कैंप्स हम लोग अलग अलग स्तर के ऊपर लगाएंगे, हर तरीके से हाउसिंग लोन हो, व्हीकल लोन हो, MSME का लोन हो, स्वनिधि का लोन हो, भारत सरकार की डिफरेंट जो जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, इनके जितने भी बाकी सरकारी स्कीम्स के लोन हैं, ये हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ के इस पर काम करेंगे। और अपने बैंक की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हर तरीके से बैंक भारत सरकार की स्कीमों को पूर्ण तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। लोन है ना, लोन पोर्टल में ही हो जाता है। मुद्रा लोन चाहिए, लोन का पोर्टल में अपना एप्लीकेशन जज करने से बैंकों को उसके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर लोन देना तो तुरंत देंगे, नहीं देंगे तो रिजेक्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन में कुछ कमी होने से रिजेक्ट करेंगे। इसलिए इसमें बार बार बैंक में जाके बात करने का जरूरी नहीं है, तो पोर्टल का थ्रू से बहुत सुविधा हो गया। सभी लोन PSB 59 मिनट्स लोन करके आप लोग सुना होंगे, पंजाब पब्लिक सेक्टर बैंक का 59 मिनट का अंदर लोन का डिसीजन हो जाता है, इधर सैंक्शन हो जाता है, कुछ कमियां होने से रिजेक्ट हो जाता है। ये सब सुविधा की वजह से जल्दी हो जाता है लोन। सर, हमने होम लोन दिया है, MSME लोन दिया है, PM स्वनिधि भी दिया है, कार लोन भी हुआ है, सारे लोन्स में ऐसा कोई लोन नहीं है जिसमें कि हमने नहीं किया है। बड़े अकाउंट्स नहीं सैंक्शन किए गए हैं यहाँ पर, ये जो छोटे और मध्यम लघु उद्योग है उनको फाइनेंस किया गया है। हमारी यही इच्छा है, उसी के लिए ये आउटरीच प्रोग्राम ही कर रहे हैं, जो हम अपने लीडर के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे ब्लॉक के लीडर PNB बैंक है, तो वी आर ऑल देयर, हम सबके सब उसी उद्देश्य से आए साथ मौजूद हैं। अजीम अंसारी जी, जो नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। सर, आज ये बैंक ने अपना प्रोग्राम किया है आउटरीच क्रेडिट अभियान, किस तरह से जो लोगों को सुविधा दे पाएगा, और त्यौहार भी हैं, दिवाली आने वाली है, इस स्थिति में जो बैंक जो लगातार ये प्रयास कर रही है, क्या लगता है कि इससे दिल्ली को और देश को कितना फायदा होगा? मैं समझता हूँ कि बैंक का एक बहुत अच्छी कोशिश है ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये पहली बार इस तरह का एक प्रोग्राम है कि कुआं प्यासे तक पहुंच रहा है। जिन लोगों को भी नीड्स है, लोन की है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, या अन्य हाउस लोन हो, जो बैंकों की जो स्कीम है वो जनता तक पहुंचाने की बात हो रही है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सभी बैंकों का, आज जिन बैंकों ने, चाहे एक्सिस बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ICIC हो, पंजाब एंड सिंध हो, और SBI, इन सभी ने मिलकर जो कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश है ये। इसके अलावा एक अभियान चल रहा है क्लीन इंडिया का, तो उसको लेकर किस तरह का अभियान चल रहा है और वो कितना सफल नजर आ रहा है? आपने देखा होगा कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो क्लीन इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, आज हमने लोगों से शेयर भी किया, उसके बातें भी की यहाँ पे, एक बहुत अच्छा अभियान है, एक ऐसा अभियान जो देश को बहुत ज़रूरत है ऐसे अभियान की।
और आप लोगों ने देखा है कई प्रोग्रामों में आप लोग की चैनल रही है कि जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम न सिर्फ रूरल एरिया में पहुंच रहे हैं बल्कि अर्बन एरियाज के उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप को पॉश कहते हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं लेकिन स्वच्छता के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। तो हम आज इस प्रोग्राम में उनको एक मैसेज देना चाह रहे थे कि क्लीन इंडिया का जो ये प्रोग्राम है जो पूरे देश में चल रहा है 744 जिलों में चल रहा है एक वो प्रोग्राम है जिसकी आवश्यकता इस देश को बहुत है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो इसकी शुरुआत की है और हमारे जो माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं जिनके नेतृत्व में हम सारा ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को लगातार चलते रहना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र लगातार हर जगह जहाँ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है तो क्लीन इंडिया की बात भी वहाँ ज़रूर करता है। जिस तरह से आज यहाँ पर बैंक के साझा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है तो यहाँ पर भी क्लीन इंडिया को लेकर बातचीत की गई है और एक संदेश देने का काम किया है कि क्लीन इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना रहा है उसको पूरा करने की कोशिश में नेहरू युवा केंद्र हमेशा आगे नज़र आ रहा है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।